क्या आपको पता है रेल के 1 किलोमीटर चलने पर कितना डीजल लगता है? कृपया ध्यान दीजिए, आज हम आपको भारतीय रेल के डीजल इंजन कितना माइलेज देते हैं इसके बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे शायद आप नहीं जानते होंगे। हम लाख, बस, ऑटो, प्लेन या नाव पर सवारी कर लें, परंतु जो मजा ट्रेन में आता है वह अन्य किसी वाहन में नहीं आता। बचपन में आपने कविताएं भी पढ़ी होंगी, रेलगाड़ी रेलगाड़ी छुक छुक करती रेलगाड़ी। पर क्या आप लोगों ने रेलवे की एक बात पर कभी गौर किया है कि आखिर 1 लीटर डीजल से रेलगाड़ी कितनी दूर की यात्रा तय करती है? शायद सोचते भी नहीं हैं। क्यों? आपकी अपनी गाड़ी में यात्रा करते वक्त तो बार बार नजर तेल के मीटर पर रहती है, गाड़ी खरीदने से पहले माइलेज की चिंता होती है, पर यह चिंता आप रेल में सवार होने से पहले नहीं करते। आज हम आपको पूरी जानकारी देंगे। आपने कई बार भारतीय रेलवे के इंजन के बारे में सोचा होगा। बता दें कि भारतीय रेल के इंजनों में 3 तरह की डीजल टंकियां होती हैं, जिनमें पहली 5000 लीटर, दूसरी 5500 लीटर और तीसरी 6000 लीटर की होती है। हम सभी को पता है कि गाड़ी में जितना लोड होता है गाड़ी उतना ही कम माइलेज देती है। ऐसा ही कुछ भारतीय रेल के डीजल इंजन में भी है। डीजल इंजन में भी प्रति किलोमीटर का माइलेज गाड़ी के लोड के मुताबिक ही तय होता है। अगर गाड़ी 24 डिब्बे की है तो लगभग 6 लीटर डीजल में 1 किलोमीटर का माइलेज आता है। इसके अलावा अगर 12 डिब्बों की पैसेंजर गाड़ी है तो उसमें भी 1 किलोमीटर का एवरेज 6 लीटर डीजल में ही आएगा, क्योंकि पैसेंजर गाड़ी हर स्टेशन पर रुकती जाती है। इस वजह से इसके ब्रेक लगने और स्पीड बढ़ाने में ज़्यादा डीजल खर्च होता है। वहीं एक्सप्रेस गाड़ियों की बात करें तो उनमें भी लगभग 4.5 लीटर में 1 किलोमीटर का यूरेज आएगा, क्योंकि एक्सप्रेस ट्रेन पैसेंजर ट्रेन की तुलना में बहुत कम जगह रुकती हैं। हालांकि भारतीय रेलवे अब धीरे धीरे डीजल इंजनों को हटाकर उनकी जगह बिजली से चलने वाले इंजन बढ़ाने की कोशिश में लगा हुआ है। जिस तरह से भारत में तरक्की हो रही है, आने वाले सालों में सभी इंजन बिजली से चलने वाले होने की संभावना भी है। जैसे जैसे नई टेक्नोलॉजी विकसित होगी सब कुछ नया होगा, जैसे तार वाले टेलीफोन से बटन वाला फोन, फिर बटन वाले फोन से स्पर्श वाला फोन। वैसे ही भारतीय रेलवे में भी परिवर्तन आया है और परिवर्तन आएगा। अगर आपको भी रेलवे के बारे में कुछ इस तरह की रोचक जानकारी पता हो तो हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।